हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में एक मेरे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है जो कि विदाउट डिस्प्ले टाइप का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, और मैं आपको ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर में कैसे जो सेंसर सेटिंग करते हैं और इसमें जो एरर होता है, एरर कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, यानी कि इसमें जो एरर होता है एरर में आप कैसे सेटिंग कर सकते हो, और इसमें जो टेम्परेचर नहीं दिखाता है, और जैसे कि मैं इसमें सप्लाई दूंगा और इसमें जो रेड कलर की जो कि ब्लिंकिंग करेगा वो कैसे आप इसमें ठीक कर सकते हो, आज मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो मेरे पास एक हार्ट कम्युनिकेटर है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और टेम्परेचर ट्रांसमीटर में कैसे जो लोअर रेंज वैल्यू यानी कि URB LRB कैसे सेट करते हैं, उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, और भी कुछ वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग वो वीडियो जाकर देखिए। देखिए इसमें जैसे ही मैं सप्लाई दे रहा हूँ, इसमें देखिए रेड कलर जो है इसमें ब्लिंकिंग कर रहा है, और इसमें ये पता चलता है कि इसमें जो वैल्यू है इसमें एरर है, इसीलिए ये रेड कलर की ब्लिंकिंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एरर जो है सही करूँगा, यानी कि इसमें सेटिंग जो है सही करूँगा, तो और ये जो रेड कलर इसमें ग्रीन कलर की हो जाएगा। देखिए अभी इसमें एरर है इसीलिए इसमें दिखा रहा है। देखिए ये मैं सेंसर के लिए लगा रखा हूँ, यानी कि इसमें दो तार में सेट कर रखा हूँ, और इसमें जो दिखा रहा है 3770 इसमें टेम्परेचर कुछ दिखा रहा है, यानी कि इसमें जो सेंसर फेल है इसीलिए इतना सारा टेम्परेचर दिखा रहा है। और ये क्यों दिखा रहा है मैं आपको ये जो करके दिखाऊंगा, इसका जो एरर आप कैसे सही कर सकते हो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मुझे ये जो बेसिक सेटअप जाना है, फास्ट मैं ये जो डिटेल सेटअप के ऊपर जाता हूँ। डिटेल सेटअप के ऊपर जाके ये जो सेंसर, यानी कि ये सेंसर मैं चेक करता हूँ, इसमें सेंसर सही है कि इसमें कुछ सेटिंग इधर उधर किया गया है, इसीलिए मैं सबसे पहले ये जो सेंसर इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि इसमें कौन से टाइप का सेंसर इसमें फिट किया गया है, यानी कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, आपको इसमें सारा कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें मैं थर्मोकपल के लिए दो तार मैंने इसमें सेट कर रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इसमें जो सेटिंग है RTD, और इसमें जो तार जो है और ये 2 AR है, लेकिन ये जो सेटिंग इसमें किया गया है 3 AR टाइप का है, और ये RTD जो इसमें कनेक्शन की गई है, और सेंसर टाइप जो है PT100 इसमें जो सेटिंग किया गया है। लेकिन ये सेटिंग मैं अभी चेंज करूँगा, जैसे ही मैं चेंज करूँगा और इसका जो स्टार्टर जो है मुझे गुड दिखाएगा, और इसका जो कलर जो रेड कलर जो ब्लिंकिंग कर रहा है और ये ग्रीन कलर हो जाएगा। चलिए अभी मैं सेंसर सेटअप के ऊपर जाता हूँ, और सेंसर सेटअप के ऊपर जाके ये जो सेंसर टाइप देखिए, सेंसर क्लास जो है, मैं अभी जो नीचे वाला जो है TC जो है, क्योंकि ये थर्मोकपल पे मैं लगा रखा हूँ, ये TC के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप RTD इसमें ऑलरेडी है, और इसमें वो हम यानी कि रेजिस्टेंस इसमें लगाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिक देखिए इसमें जो सेंसर टाइप आ गया TC, और टाइप जो है इसमें डिफॉल्ट ले गया है K टाइप का, लेकिन इसमें सेंसर नहीं लगा है इसमें, इसीलिए दो तार में सेट कर रखा हूँ, इसीलिए ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इसमें ले लिया है। अगर इसमें आप सेंसर लगाओगे तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, अभी इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और जैसे ही सेंसर लगाओगे इस पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो सेंसर वेरियस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, आप उसी हिसाब से यानी कि SR ये सब K टाइप सेंसर आप इसमें चेंज कर सकते हो। और अभी देखिए इसमें मैंने जैसे कि बोला इसमें दो तार सेट कर रखा हूँ, इसलिए ये K टाइप का सेंसर हो गया है जो कि डिफ़ॉल्ट के लिए माना जाता है। और इसमें जो सेंसर कनेक्शन जो है 2 AR की है, अभी ये जो वैल्यू है मैं सेंड करूँगा, जैसे ही मैं सेंड करूँगा अभी ये 2 AR ही दिखा रहा है क्योंकि थर्मोकपल के ऊपर सिलेक्ट हुआ है। और अभी ये जो वैल्यू इसे सेंड कर देता हूँ, जैसे ही सेंड करूँगा और ये जो रेड कलर की जो ब्लिंकिंग हो रहा है आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। चलिए अभी ये सेंड कर देता हूँ, देखिए जैसे मैं इसके सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसमें इतने सारे मैंने चेंजेस किया हूँ इसलिए ये सब आ रहा है। देखिए अभी मैं सेंड कर देता हूँ, और ये जो लाइट देखिए ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। देखिए अभी ये थोड़ा लाइट बंद हो गया है, अब देखिए ये आपके सामने जो ग्रीन कलर का हो गया है,
और अभी इसमें मैं बैक कर देता हूँ। जैसे ही बैक करूँगा आपको जैसे इसमें एरर आ रहा था, यानी कि उसमें जो वैल्यू आपको दिखा रहा था, एरर दिखा रहा था, अभी इसमें आपको सही वैल्यू दिखाएगा, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग आपको टेम्परेचर वैल्यू दिखाएगा जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर है। अभी मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसमें 377.071 दिखा रहा है। थोड़ी देर के बाद यह ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए इसमें अभी 32.50 इसमें दिखा रहा है, और इसका जो परसेंटेज ऑफ जो रेंज है 14.81, और ये जो आपको दिखा रहा है ये मिली एम्प दिखा रहा है। और ये मिली एम्प कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भी इसके ऊपर मैं 4 to 20 mA क्यों जो DCA सिस्टम को सेंड करते हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मैं और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताया हूँ। अभी मैं बेसिक सेटअप के ऊपर जाता हूँ, बेसिक सेटअप के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखाऊँगा और इसका अंदर क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आपको ऑलरेडी LRB URB कैसे सेटिंग करते हैं, उस वीडियो के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और भी बहुत सारा टेक्निकल वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और कुछ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, तो आप मेरा चैनल विजिट करके वो सब वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। अभी टैग देखिए, टैग अभी मैं चेंज करता हूँ। जैसे कि इसमें टैग जो है TT101, अभी मैं आपके सामने TT100 यहाँ पर कर देता हूँ। आप टैग ये जो है ये आपके जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें दिया जाता है, क्योंकि फील्ड में जो बहुत सारा जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरे को अलग अलग करने के लिए इसमें दिया जाता है। और ये जो है यूनिट है, आप यूनिट पे आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। और ये जो फील्ड कम्युनिकेटर है, और ये फील्ड कम्युनिकेटर से आप कुछ भी जो ट्रांसमीटर का, जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, और कुछ टाइप का ट्रांसमीटर की सारे कॉन्फ़िगरेशन ये आप ये जो फील्ड कम्युनिकेटर में सेट कर सकते हो, जो कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इसमें जो ट्रिमिंग कैसे करते हैं, यानी कि इसमें जीरो ट्रिम कैसे करते हैं, उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। लेकिन वो जो वीडियो है पूरा कंबाइंड है, आप पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अभी देखिए मैं बैक कर देता हूँ। ट्रिम एनालॉग आउटपुट, यानी कि इसमें जो एनालॉग आउटपुट जो मिली एम्पियर फॉर्म में आता है वो भी आप ट्रिम कर सकते हो, आप इसमें सब कुछ कर सकते हो। और ये जो हार्ड कम्युनिकेटर अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मुझे मेल करके बताइए। और ये जो है पूरा न्यू कंडीशन का है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बैक कर देता हूँ। बैक करके और कुछ ऑप्शन के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो टाइप का रीसेट इसमें दिया गया है, एक मास्टर रीसेट और फैक्ट्री रीसेट। मास्टर रीसेट में क्या होगा, आप इसमें जो भी वैल्यू आपने सेट किए होंगे ये सब आपको दोबारा इसमें रीसेट, यानी कि फैक्ट्री रीसेट में आ जाएगा, जो भी कुछ फैक्ट्री रीसेट करके दिए होंगे। और इसमें जैसे ही आप फैक्ट्री रीसेट करोगे तो इसमें आप पूरा टोटल फैक्ट्री रीसेट में जो भी कुछ दिया होगा वो सब इरेज हो जाएगा, आप कुछ भी इसमें सेट कर सकते हो। और देखिए इसमें पूरा टोटल इसमें मॉडल नंबर और सेंसर क्लासेस और इसमें सब कुछ इसमें आपको दिखा रहा है, यानी कि ये जो हार्ट कम्युनिकेटर से आप ये जो ट्रांसमीटर का आप सब कुछ इसमें सेट कर सकते हो। और इसमें विदाउट जो हार्ट कम्युनिकेटर से आप कैलिब्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो, इसमें जो भी वैल्यू इसमें सेटिंग कर नहीं सकते। और अभी मैं डिटेल्स इसमें जाता हूँ और ये आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जाता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो टैग नंबर आपको शो कर रहा है, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ इसमें लिख भी सकते हो और मैसेज में कुछ लिख सकते हो। और ये जो डेट जो है, ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन करते हैं वो वाला, जब आप कैलिब्रेशन करोगे यानी कि टेस्टिंग करोगे वो वाला डेट पे आप डाल सकते हो। अभी देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है सीमेंस, और देखिए फैब्रिकेशन नंबर, और भी बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। यानी कि ये जो ट्रांसमीटर में जो भी कुछ फंक्शन है, यानी कि जो भी किस इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, आप सब कुछ ये जो हार्ड कम्युनिकेटर्स के थ्रू में आप देख सकते हो। चलिए अभी मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ। अभी मैं बैक करता हूँ, बैक करके और भी मैं इसे बैक कर देता हूँ। और अभी देखिए ऑनलाइन आईडी के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा और इसका जो इमेज जो है आपको पूरा इसमें शो करेगा,
ये। और देखिए अभी डिवाइस इमेज जो है, अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप ये जो डिवाइस में जो भी इमेज है आपको पूरा शो कर रहा है आपको, और दूसरे टाइप का अगर ट्रांसमीटर होगा तो उसका इमेज भी इसमें शो करेगा, आप इसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरे को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।